अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग आए हैं सिंध म्यूज़ियम। तो सिंध म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करने वाले हैं, चलते हैं अभी अंदर चल के आपको दिखाते हैं सिंध म्यूज़ियम की डिटेल्स के यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। इस म्यूज़ियम को आज एक्सप्लोर करते हैं, तो चले हमारे साथ अंदर चलते हैं। ये है सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद। और यहाँ पे सिंधी कल्चर के हिसाब से जो है ड्रेसेस मौजूद हैं, चलते हैं अंदर चल के दिखाते हैं आपको। सिंध कल्चर के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें, ये बच्चों के ड्रेसेस, बुक्स और सिंधी टोपियाँ, सिंधी शॉल अजरक, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस यहाँ पे रखे हैं सिंधी कल्चर के हिसाब से। यहाँ पे देखिए कोटियाँ मौजूद हैं, ये ड्रेसेस मौजूद हैं यहाँ पे। बाबा ये अलग अलग चीजों के प्राइस हैं सारे, सबके अलग अलग। ये जो जैसे ये सिंधी जो ड्रेस टंगे हुए हैं पीछे, ये इनके क्या पैसे हैं? अच्छा माशाल्लाह, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500। और ये जो शॉल है ये कितने की है? ये 2500 की है। ये अजरक, अजरक चादर 1200 की है, 600 की है, 400 की है। 50,000 वाली चीज कहाँ पे है? ये 50,000। बाबा इसमें ये 50,000 जो है, इसमें इसकी मतलब इतनी कीमत क्यों है, क्या वजह है? इसमें एक तार लगा काम है, ये 25,000। क्या लगा इसमें? ये तार है, तार लगा हुआ है, तार का काम हुआ हुआ है। ओके, ये देखें इसमें तार का काम हुआ हुआ है। इसका काम देखो, बहुत खूबसूरत काम हुआ हुआ है, हाथ का काम है, हाथ का काम है सारा। ये कितने का? बहुत जबरदस्त। हसीब भाई ये क्या क्या चीज़ नहीं है? डिफरेंट मिनरल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें रॉक सॉल्ट है, सोडियम सॉल्ट है, कोल है, जो जंपीर से निकलता है, ठीक है। इस तरह जितनी भी चीज़ें आपकी मुख्तलिफ जगहों से निकल रही हैं सिंध में, जी जी बिल्कुल, ये मुख्तलिफ किस्म के मार्बल्स हैं, उनके और ये क्या चीज़ें? और ये क्या चीज़ है? ये भी ओके, और ये नेवला है, ये नेवला है, और नेवले के पीछे क्या है? ये कुछ नहीं हो पा रहा, ये बहुत अच्छे डिजर्ट है, डेजर्ट डेजर्ट जो होता है जिसे कहते हैं, ये जो पालतू वाला चूहा कोबरा, कोबरा ब्लैक कोबरा, ठीक है। इसलिए जंगल का मॉडल बनाया गया है, तो जो जिस तरह की
लकड़ियाँ वगैरह पाई जाती है ना सिंध के जंगलात के अंदर, लक्षण किस्म की दरख्त की लकड़ियाँ हैं जो कट के रखी हुई है, ये बबूल की लकड़ी है। ये देखिए ये सिंध का कल्चरल है, ये खेती बाड़ी दिख रही है आपको, ये खेत में चलने वाले जो बैल होते हैं ये वो है यहाँ पे। ये देखें कुएं में जिस तरह पहले किसी ज़माने में ये चक्कियाँ चलती रही जो पानी भरते थे, ये देखें ये क्या चीज़ है फोर केजी से मिलने वाली बाकियाँ। और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुंजो थोड़े टाइप की चीज़ का लाइन। अच्छा मुंजो दाड़ो इधर है ओके, जो मुंजो दाड़ो में जो चीज़ें वहाँ पे दरियाफ्त हुई थी और एक स्टैम्प है, ये क्या ये स्टैम्प्स हैं, ये देखिए ये स्टैम्प्स हैं, वहाँ से निकली हुई नवादरा और ये सारी वहाँ से मिली हुई बहुत ही कीमती चीज़ें जो यहाँ पर इस वक्त सेफ रखी हुई है। सिंध म्यूजियम ये मुंजो दाड़ो का ये एक हमारे भाई हैं जो यहाँ पर होते हैं। आप यहाँ कितने अर्से से होते हैं? मैं दो जाम से कितने मैं दो जाम से ये सिद्ध वाले जल। अच्छा ये सर जी दो सौ सही जी। ये सारी चीज़ें वो हैं जो मुंजो दाड़ो से दरियाफ्त हुई थी जो यहाँ पे ला कर रखी गई है सिंध म्यूज़ियम के अंदर, बहुत नायाब चीज़ है। ये देखें
जी फरहान भाई, फाइनली आज हम अभी हम कहाँ से विजिट करके आए? एग्जैक्टली हम लोग अपना सिंध का जो है वो म्यूज़ियम विज़िट करने आए थे। माशाल्लाह हैदराबाद के अंदर ये बना हुआ है, बहुत ज़बरदस्त सिंधी कल्चर की सारी चीज़ें तकरीबन हमने अंदर देखी हैं कि किस तरह की मतलब हार्ड वर्किंग लोग थे, हैंडमेड जो है वो चीज़ें बनाते थे, लेदर का भी काम हो रहा है, सोने का भी काम हो रहा है, मिट्टी का भी काम हो रहा है, हर चीज़ जो है वो हाथ से किस तरह से तराशी जाती है, बहुत नया चीज़ें रखी हैं। एग्जैक्टली तो हमने देखा, बहुत ज़बरदस्त लगा हमें। अगर छोटी सी वीडियो में बहुत सारी चीज़ें एग्जैक्टली हमने छोटी सी वीडियो में बहुत कुछ अपना दिखाने की कोशिश की, डिस्कवर करने की कोशिश की। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। हमेशा की तरह हम एंड में आपको वही बोलेंगे, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।